हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको गले की कटिंग बताने जा रही हूँ हमारी बहनों के कमेंट्स आए थे कि हमें गोल गले की कटिंग प्लीज बताएं क्योंकि गले से बनाना तो हमने बता दिया था जो गले से शुरू करते हैं छोटे बच्चों के बड़े बच्चों के बना के और फिर गले की कटिंग कैसे करनी है ये हमारे आठ साल के बच्चे का स्वेटर है ये देखिए इसकी लेंथ इतनी है और मैंने ये यहाँ पर बगल के फंदे भी घटा दिए हैं चार तीन दो एक इस तरह से हमने बगल की कटिंग कर दी है और हमने आठ सलाइयाँ ऊपर बना ली हैं एक घटाने के बाद हमने आठ सलाइयाँ ये ऊपर बना ली हैं ये आगे का पल्ला है और मैं दिखाती हूँ ये पीछे का है तो हमने पीछे के पल्ले में भी कटिंग करी है मगर थोड़ी सी की है सिर्फ इतनी सी की है कि ये बीच के फंदे घटाए और चार तीन दो एक बहुत थोड़ी सी हमने एक इंच की कटिंग की है पीछे के पल्ले में जिससे कि गले की शेप अच्छी आती है और आगे की हमें ज़्यादा करनी होगी आगे की हमें कहाँ से करनी है ये चार तीन दो एक हमने घटा दिए उसके बाद हमने आठ सिलाइयाँ ली हैं अब इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे और थोड़ा सा मैं बताऊं अपनी भेन, बहनों को देखिए ये है आठ साल के बच्चे का अगर आपको इससे कम फंदे डालने हैं छोटा बनाना है तो हमने यहाँ पर तीन दो एक की कटाई करनी है जैसे अस्सी से कम है अस्सी फंदे से कम है तो हमें तीन दो एक की कटिंग करनी है बगल की और अगर नब्बे हैं या नब्बे से ऊपर हैं तो चार तीन दो एक उससे क्या होता है कि हमें कंधे के भी फंदे चाहिए और गला घटाने के भी फंदे चाहिए इसलिए छोटे छोटरों में कम फंदों में हमें तीन दो एक बगल के घटाने में काफी है यहाँ पर अब मैं आपको गला बताती हूं ये देखिए हमने इतना बना लिया है इसके बाद हम गला घटाएंगे ये हम कंधे के फंदे और उसके बीच के बाद जो हमें फंदे घटाने हैं टोटल हमने सोलह हमने कंधे पर रखने हैं और दस फंदे हमने बीच के बाद घटाने हैं जो हमने सेंटर में इतने फंदे घटाने हैं जितने भी बचे होंगे उसके उससे बाद हमने दस फंदे घटाने हैं चार तीन दो एक बाकी ये सोलह फंदे हमने कंधे पर रखने हैं तो मैं ये छब्बीस फंदे बुल लेती हूँ तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ये सोलह फंदे तो हमारे कंधे के बच गए और दस फंदे हमने और ले लेने हैं उसके बाद हमने बीच में घटाने हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये टोटल हमारे छब्बीस फंदे हो गए छब्बीस ही हमने इधर बचाने हैं दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अब ये बीच में हमारी जितने फंदे बचे हैं दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह और एक सत्रह ये हमने बीच में घटाने हैं एक दो तीन चार पांच छे, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह अब हमने ये फंदे सारे बुन लेने हैं इस सिलाई में सॉरी ये हमारी बुनाई की लाइन थी हमें यहाँ बुनाई भी डालनी है ये वाली ये हमने उल्टे उल्टे फंदे बुनने हैं क्योंकि हमने ये आठ सिलाई के बाद बुनाई डालनी थी तो मैं बुनाई डालती हूँ यहाँ पर मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ बुनाई का भी वैसे मैंने ये बुनाई पहले डाली हुई है आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं ये सारे फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं ये देखिए ये उल्टी सिलाई हो गई हमारी सीधे तरफ से अब उल्टी तरफ से हमने एक फंदा उल्टा फिर हमने इसको डबल धागा लपेट कर लेना है इस तरह से तीन फंदे के मल्टीपल के हिसाब से है चार पाँच छ सात अब देखिए मैं यहाँ यहाँ पर चार फंदे गले के घटाऊंगी ये हमारा गले के फंदे हैं गले की साइड है अब यहाँ हम चार फंदे घटाएंगे एक दो तीन चार बाकी ये मैं अपनी बुनाई बताती हूं ये तीन पंदे हमने जो ये डबल डबल धागा लपेट के जो लिए थे अब हमने इनमें से तीन के हिसाब से उधेड़ के खोल के इनको और इस तरह से तीन बार इसमें से बुनना है इस तरह से फिर हम तीन फंदे खोलेंगे और एक दो और तीन बार फिर इनको निकाल देंगे इसी तरह हम सब सब फंदे को बना लेंगे हमारी उल्टी सिलाई उल्टी सिलाई में हमने सभी उल्टे उल्टे फंदे बुने हैं बहुत ही आसान सा डिजाइन है आप आराम से बना सकते हैं अगर टोटल गिने तो पांच सिलाइयों का है और नहीं तो दो सिलाई का ही है उल्टी तरफ से हमने डबल लिया था और सीधी तरफ से हमने इसको तीन का तीन बना दिया अब हमने यहाँ पर चार घटाए थे अब हम तीन घटाएंगे एक दो तीन फिर आगे धागा करके हमने ये से, ये लाइन हमने उल्टी उल्टी लेनी है ये बुनाई की लाइन है इस तरह से सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं ये देखिए पूरा डिजाइन हमारा बढ़िया है अब हमने सीधे सीधे आठ लाइनें बनानी है साथ में इधर हमने फंदे भी घटाने हैं गले वाले ये देखिए अब फिर सीध तरफ हमारा बुनना है तो हम यहां पर चार तीन दो अब हम दो घटाएंगे एक दो अब हमने लास्ट एक फंदा घटाना है ये हमारे हो गए पूरे चार तीन दो एक ये सारे फंदे गले के हमारे घट गए हैं और कंधे पर हमारे सोलह फंदे बच गए हैं दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह ये सोलह फंदे हमारे कंधे पर बच गए हैं इनको हमने अब सीधा सीधा बुन लेना है जितनी हमने बगल की लंबाई रखनी है उतना हमने इसको बुनना है इसकी लंबाई हमने उतनी करनी है जितनी हमने बगल पर रखनी है ये देखिए ये इतनी हमने रखनी है ये हमारी तीन बुनाइयाँ आ जाएंगी इसमें मैं अभी आपको इंची टेप से नाप के दिखा दूंगी इसको करके हमारी कुछ बहनों ने कमेंट्स किया था कि गले की कटिंग और बाजू की फंदे कैसे बढ़ाते हैं तो मैं बाजू आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे फंदे बढ़ाने हैं और लास्ट में कैसे घटाने हैं सी सॉटर के बाजू हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूं इसमें मैं गला बना के दिखाती हूं ये देखिए इतना हमारा बन चुका है गला मैं यह पूरा करके आपको दिखाती हूं ये देखिए हमारा एक तरफ का ये गला पूरा हो गया है मैं आपको दिखा ये मैंने छ इंच का बगल की कटाई की है और यह हमारा गला हो गया यानी कि चार इंच का ये गला हो गया हमारा आगे का पल्ला हो गया एक तरफ का हमारा ये हो चुका है और मैं अब दूसरी तरफ बना के दिखाऊंगी और टोटल लंबाई हमने इसकी स्वेटर की बगल से नीचे नीचे हमारी स्वेटर की चौदह इंच की लंबाई है बाकी आप अपने बच्चे के अनुसार लंबाई रखेंगे ये देखिए ये देखिए चौदह इंच की स्वर्टर की लंबाई है और सात इंच की हमारी बगल की लंबाई है सॉरी छः इंच की ये देखिए छः इंच की तो मैं आप दूसरा तैयार करके फिर आपको दिखाती हूं गले के फंदे भर के ये देखिए गले की घटाई हो चुकी है अब मैं इसमें फंदे उठाना बताती हूं पहले हमने एक तरफ का एक कंधा जॉइंट कर देना है इसको हमने इस तरह से जॉइंट कर देना है फिर हम फंदे उठा के दिखाते हैं आपको दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेके और तीन का एक कर देना है एक इसमें से लिया है एक इसमें से और एक फंदा हमारा ये इस तरह से हमने तीन का एक कर देना है क्योंकि हम दो नंबर से दो सिलाइयों से बना रहे हैं आसानी भी होगी बनाने में और आराम से बन जाएगा जल्दी इसलिए हम एक कंदा जोड़ के फिर दूसरा हम बाद में जोड़ते हैं इससे बहुत ही इजीली बन जाता है देखिए सारे फंदे हमने बंद कर दिए इस धागे को हम यहां पर बांध देंगे ये देखिए अब एक तरफ से खुला हुआ है अब मैंने ये ग्यारह नंबर की सिलाई ली हुई है इससे हम गले की पट्टी बनाएंगे अब मैं इसी सिलाई से फंदे भरूंगी टोटल हमने एक सौ बीस फंदे पूरे गले में उठाने हैं आगे भी और पीछे भी दोनों मिला के हमने 120 फंदे उठाने हैं इस तरह से ये फंदे हमारे कंधे के हैं जो हमें बाद में जोड़ने हैं और ये हमारे गले के फंदे हैं। इनको हमने गिन के एक सौ बीस बंदे उठा लेने हैं इसी तरह पूरे गले पे उठा लेते हैं फिर हमको हम आप, आपको दिखाते हैं ये देखिए हमने 120 फंदे भर लिए हैं दोनों पल्लों के अब मैं ये बॉर्डर बना के दिखाती हूँ दो उल्टे दो सीधे का जैसे हमने यहां पर बनाया इस तरह से दो उल्टे दो सीधे का बॉर्डर बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये फंदे हमारे कंधे के हैं सोलह इधर हैं और सोलह इधर हैं ये दोनों हम बाद में जोड़ेंगे पट्टी बनाने के बाद मैं अब इसको बुन के तैयार करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स हमारा दो सलाइयों से कितना अच्छा गला बनकर तैयार हुआ है ये देखिए अब मैं इसको यहाँ पर सिल दूंगी जरा सा ये जो यहाँ पर है ये मैं सुई से पहले सिल दूंगी फिर ये वाले बखे जोड़ दूंगी इस तरह से देखिए कितना प्यारा गला बना हुआ है अब मैं ये कंधे जोड़ देती हूं तीसरी सिलाई से किस से। एक फंदा इधर से लेंगे हम और एक इधर से हम दो का एक कर देंगे एक इधर से फिर एक इधर से और तीसरा फंदा यह हो गया अब हम तीन का एक करेंगे ये देखिए इसी तरह हम सारे फंदे बंद कर देंगे इस तरह से अब हम इस गांत धागे में गाँट लगा देंगे और हमारा स्वेटर बन के तैयार हो गया आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे बाजू का देख सकते हैं कि हमने कैसे फंदे बढ़ाए हैं ये देखिए बहुत ही सुंदर बना है दो सिलाइयों से आपको अगर पसंद आए तो प्लीज शेयर करें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू